सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिंदगी की इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। इस दुनिया का यह दस्तूर है, जैसा देंगी वैसा पाएंगी। यदि आदर पाने की इच्छा है तो सर्वप्रथम आदर करना सीखें। अगर कोई पसंद आ जाए तो दूसरों से नहीं पूछना चाहिए कि वो कैसा है। जिंदगी के सफर में जब ना दिखे कोई छोर, तब आंखें बंद करके कदम बढ़ा लेना श्री कृष्ण की ओर। आज का पंचांग 9 मई 2024 दिन गुरुवार, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि, सुबह 6:21 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृतिका नामक नक्षत्र सुबह 11:55 तक रहेगी। इसके उपरांत रोहिणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2 बजे से 3:38 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:57 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। वृषभ राशि 9 मई 2024 दिन गुरुवार, आप इस समय खुद को विवादों या मुकाबलों से घिरा हुआ पा सकते हैं। अपने स्वास्थ्य और वित्तीय मामलों को सुलझाएं। चोट से बचने के लिए सड़क पर चलते हुए ध्यान जरूर रखें। नया प्रशिक्षण शुरू करने के लिए एक अच्छा समय है। लंबे अवधि में प्रयास लाभदायक साबित हो सकते हैं। आप आज बाहरी दुनिया के प्रति अति संवेदनशील रहेंगे। मनोदशा के बदलने के कारण किसी भी बात को गंभीरता से ना लें। अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। संसार को आप सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ देखते हैं और सिर्फ यही वो मनोभाव है जो सच में मायने रखता है। घर के नवीनीकरण या सुधार संबंधित कार्यों पर भी विचार विमर्श होगा। दिन की शुरुआत में ही अपने महत्वपूर्ण कार्य संबंधित रूपरेखा बना ले। दोपहर बाद परिस्थितियां बहुत ही अनुकूल बन रही है और इस उत्तम समय का उचित सदुपयोग करें। परिवार के लोगों की अपेक्षाओं को समझकर आपके सद तक उन्हें पूरा कर सकते हैं यह जानना जरूरी होगा। लोगों के आपके प्रति बनी निष्ठा को परखने की आवश्यकता है। गलत लोगों पर भरोसा रखने की वजह से कुछ हद तक नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अपने आर्थिक अवस्था या व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी किसी भी समस्या की खबर बाहरी व्यक्ति को ना होने दें, इस बात का ध्यान रखें। काम की जगह आ रहे बदलाव महत्वपूर्ण होंगे, जिसके जरिए पुराने नुकसान को दूर किया जा सकता है। खुद पर विश्वास जरूर रखें। पार्टनर के द्वारा कड़ी टिप्पणी प्राप्त होने वाली है। फिलहाल निर्माण होने वाले विवाद के कारण रिलेशनशिप को नकारात्मक तरीके से लेना गलत होगा। सावधानियां, इस समय कहीं निवेश करने के लिए अनुकूल समय नहीं है। किसी भी प्रकार के कानूनी पचड़े में ना फंसे। बेहतर होगा कि ट्रैफिक नियमों का भी पालन जरूर करें। किसी नजदीकी मित्र के साथ संबंध खराब होने जैसी स्थिति भी बन रही है। बात करते हैं लव लाइफ की। किसी खास से विवाद होने से आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं। लड़ाई झगड़े से आज दूर रहें, फिक्र ना करें। जहां प्यार और चिंता होती है वहां रूठना मनाना भी चलता रहता है, परंतु आप जितना हो सके इससे बचकर ही रहें। रिश्तों को पुनर्जीवित करने के लिए अच्छा समय है। दुर्घटना या चोट से बचने के लिए सावधानी से यात्रा जरूर करें। आप बाहरी दुनिया के प्रति अति संवेदनशील हैं, इसीलिए मामलों को गंभीरता से लेने से बचें। किसी भी विषय को ऐसे ही ना छोड़ें। जब तक आप पूरा सही रवैया उतना महत्वपूर्ण है जितना जीवन में प्रेम, इसीलिए आशावादी दृष्टिकोण अपनाएं। आपको अपने रूप रंग को बदलने की जरूरत है जो प्रेम संबंधों में तड़का लगा सकता है। बात करते हैं करियर की। प्रयास करें, लक्ष्य प्राप्ति के लिए समय शानदार है। विवादों और मुकदमेबाजी से आपकी ताकत और धन का नाश हो सकता है। आज ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे प्रतिष्ठा की हानि हो या अकेलापन महसूस हो। अच्छे से सोचने समझने के बाद ही कोई काम करें। आपके मूड में बदलाव और बिगड़ता स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। कार्यस्थल में नई संभावनाएं आपकी प्रतीक्षा कर रही है।
आज नए कार्य करने या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचकर रहें। समस्याओं को अवसरों में बदलने की कोशिश करें और अपनी प्रतिस्पर्धियों पर नजर रखें। सही दृष्टिकोण की वजह से आप सकारात्मक सोच सकते हैं और आशावादी भी रह सकते हैं। बात करते हैं सेहत की। आज का दिन काफी भाग दौड़ भरा रहेगा, जिसके कारण आप थकान महसूस करेंगी। आज चोरी से भी बचकर रहें, अपने आराम पर ध्यान रखें। आज का उपाय, आज आप फलों का दान करें। फलों का दान करने से कुंडली में शुभ योग बनते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।